गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ पीके सर, योर केमिस्ट्री सर, वेलकमिंग यू टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास. दिस इज क्लास 12. क्लास 12 एंड द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. दिस इज द लेक्चर नंबर 7 ऑफ दिस चैप्टर. अर्लियर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड 6 लेक्चर्स विच यू कैन सी, विच यू कैन वॉच इन द आई बटन. ठीक है, इससे पहले देखिए हमने बहुत कुछ डिस्कस किया इस चैप्टर में, और उन्हीं जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आगे देखते हुए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं. देखिए, हमने देखा था डेनियल सेल का एक सिंपल सा डायग्राम, और इस डेनियल जो सेल था इसके अंदर हमने देखे थे दो इलेक्ट्रोड्स का यूज होता है. ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स का यूज होता है, और जो दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं. एक स्विच होता है बीच में, और यहाँ पर एक छोटा सा इन्वर्टेड यू शेप क्या होता है, एक शॉर्ट ब्रिज होता है, जो कि क्या करता है, इसको इसमें सर्किट जो होता है उसको कंप्लीट करने का काम करता है. और ये जो इलेक्ट्रोड होता है, लेफ्ट वाला जो इलेक्ट्रोड है वो लेफ्ट वाले मेटल के आयंस से बने हुए सॉल्यूशन में डिप रहता है. ठीक है, अब देखिए, किसी भी इलेक्ट्रिक सेल का, मींस किसी भी डेनियल सेल का बोल दीजिए, या हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका जो ईएमएफ मेजरमेंट होता है उसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था. ईएमएफ के लिए ई नॉट सेल जिसको हम बोलते हैं, ई नॉट सेल जो होता है वो क्या होता है, E नॉट R माइनस E नॉट लेफ्ट, यानी कि राइट साइड वाले में से लेफ्ट साइड वाले को हम माइनस करते हैं तो उसकी वैल्यू हमें मिलती है E सेल की, दैट इज कॉल्ड EMF. ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है, अब देखिए, किसी सिंगल हाफ सेल जो रिएक्शन होता है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो इसके लिए फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. और ये कैसा होता है, आप पिक्चर में देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पिक्चर है उसमें देखिए कैसा होता है. इसमें सिंपल सा, इसमें एक इलेक्ट्रोड होता है, और वो जो इलेक्ट्रोड होता है वो प्लेटिनम का बना होता है. किसका बना होता है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है. अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि प्लेटिनम को ही क्यों लेते हैं इसमें, तो इम्पोर्टेंट ये भी है कि प्लेटिनम को इसलिए लेते हैं क्योंकि प्लेटिनम एक इनर्ट मेटल है. इनर्ट इन द सेंस कि ये नॉन या लेस रिएक्टिव मेटल है. ठीक है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर जब किसी इलेक्ट्रोड के लिए किसी मेटल का यूज़ करते हैं तो वो जो मेटल होती है वो किसी सॉल्यूशन में डिप रहती है फॉर ए कॉन्स्टेंट लॉन्ग पीरियड. ठीक है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कोई दूसरा अगर मेटल हम यूज़ करेंगे तो उस मेटल का जो एटम है या जो मेटल है वो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर सकती है. ठीक है, तो इसको बचाने के लिए, इससे इसको अवॉइड करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर प्लेटिनम मेटल का इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं. ठीक है, और इस प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पर भी प्लेटिनम जो ब्लैक होता है, जो कि और भी ज़्यादा नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस होता है, उसका कोटिंग होता है. ठीक है, इसके अलावा फिर इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस सप्लाई की जाती है, और हाइड्रोजन गैस सप्लाई करने के बाद में इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो H प्लस आयंस में डिवाइड होती है. ठीक है, ये इसका क्या प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है ये. इलेक्ट्रॉन का लॉस मतलब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है. ठीक है, और अगर हम इसको रिडक्शन बनाएं तो कैसा बनेगा, ये H, सिंगल H इज़ नॉट पॉसिबल, तो 2H+ और 2H+ क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में क्या बनता है, ये गैस बनता है, रिडक्शन का प्रोसेस. देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको, ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए. चार चीज़ें हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी बोलते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन करता है, जो परफॉर्म द स्पीसीज विच परफॉर्म द ऑक्सीडेशन. ठीक है, या सामने वाले का ऑक्सीडेशन करता है. ठीक है,
और रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, जो रिडक्शन का काम करता है किसका, रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग क्या होता है, जो रिडक्शन का काम करता है किसका, सामने वाले का, ठीक है। अगर सामने वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि सामने वाला जो स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसका मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका, वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, उसका गेन कर लेता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ले लेता है सामने वाले के, ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन का काम करता है, यानी कि सामने वाले को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाता है, उसको डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन स्टैंडर्ड वर्ड का मीनिंग क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्टैंडर्ड वर्ड है उसका हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। स्टैंडर्ड वर्ड का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको हम यूनिटी रखते हैं, वन मोलर जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम यूनिटी रखते हैं, और दैट यूनिटी इज इक्वल टू वन मोलर, दिस इज़ द कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक, जिसको हम प्रेशर बोलते हैं, उस प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखते हैं हम, वन बार, ये भी फिक्स्ड है, नॉट गोइंग टू चेंज। इसके अलावा टेम्परेचर इस रिएक्शन में, यानी इस इलेक्ट्रोड के एक्सपेरिमेंट में, या इस इलेक्ट्रोड की जो केमिकल रिएक्शंस होती है, ड्यूरिंग दैट केमिकल रिएक्शंस दैट टेम्परेचर शुड नॉट बी चेंज्ड, सो इट इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट, इट इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट। ये जो तीन चीज़ें हैं, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये तीनों ही इसमें क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, स्टैंडर्ड रहती है, ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और ये जो हाफ रिएक्शन होता है, इस हाफ रिएक्शन के लिए हमने जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, हाफ रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है, उसको हम बाई कन्वेंशन, बाई कन्वेंशन उसको हमने क्या मान लिया है, ज़ीरो माना है, वी हैव एज्यूम्ड बाई कन्वेंशन, इसको हम ज़ीरो मानते हैं, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम किसी सेल का या किसी अदर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने ऐसा वाला जो कॉम्बिनेशन बनाया, एक कोई भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है, तो एक इधर इलेक्ट्रोड होगा, एक इलेक्ट्रोड इधर होगा, इधर आपने एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है, और इधर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कॉपर का आपने इलेक्ट्रोड लिया, कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया, तो जो कॉपर होता है उसमें क्या होता है, Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या देता है आपको, Cu+ S4 सॉलिड सरफेस, दिस इज Aq, ठीक है। अब देखिए इसको हमने यहाँ पे इसके साथ में ऐड कर दिया, ठीक है, तो हमारा जो ये तो है SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और ये है आपका कॉपर का बना हुआ इलेक्ट्रोड। अब हमें क्या करना है, इस सेल का इलेक्ट्रो EMF यानी ई सेल कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, E naught राइट माइनस लेफ्ट, ठीक है, राइट वाले का कितना होता है, कॉपर वाले का हमें पता है कितना होता है, 0.34, और इसका कितना हो जाएगा माइनस, और ये कितना मानते हैं हम, जीरो, तो ये आंसर कितना आएगा इसका, 0.34 वोल्ट, पॉजिटिव वैल्यू आई है। पॉजिटिव वैल्यू, अगर किसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में उस मेटल का नेचर कैसा है, उस मेटल का नेचर कैसा है, ठीक है। यस, सो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ये क्या इंडिकेशन देती है आपको, कि जो कॉपर मेटल है, कॉपर का जो आयन है वो हाइड्रोजन का जो H+ आयन है इसके रेस्पेक्ट में, इसके लिए हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना कंसीडर किया है बाय कन्वेंशन, जीरो, इसके रेस्पेक्ट में इसका जो है वो है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अगर आप इन दोनों का कंपेरिजन करें, इन दोनों का कंपेरिजन करें तो देखिए क्या होता है, इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका भी रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कितना आता है, जीरो आता नहीं, हमने माना है, लेकिन जब इसका हम रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो वो इतना आता है, और ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मीनिंग क्या होता है कि कॉपर जो है वो H+ के रेस्पेक्ट में, यानी Cu2+ जो आयन है वो H+ के रेस्पेक्ट में ईजिली रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, Cu2+ जो है वो H+ की फॉर्म में
Cu2+ जो है वो इजीली रिड्यूस हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू H+ आयन। ठीक है, तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अब देखिए नेक्स्ट, क्या H+ Cu+ को, क्या H+ यानी हाइड्रोजन जो है वो इसको Cu2+ को रिड्यूस कर सकता है? तो आंसर क्या आएगा? नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? नहीं। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन ये है कि वाई कॉपर इज नॉट डिसॉल्व्ड, वाई कॉपर इज नॉट डिसॉल्व्ड इन HCl एसिड, वाई कॉपर इज नॉट डिसॉल्व्ड इन HCl एसिड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए एसिड का मतलब H+ होगा उसके पास H+, और कॉपर को अगर आप डिजोल्व करना चाहते हो तो इसका मतलब कॉपर का रिएक्शन होगा। कॉपर मेटल है, मेटल का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन पॉसिबल यहाँ पर है या नहीं है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन, कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, यानी कि कॉपर का रिडक्शन नहीं हो सकता। किसके द्वारा? H+ आयन्स के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हमने, इसका आंसर क्या होगा कि जो कॉपर है उसका इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन आयन H+ आयन, दैट इज़ वाई ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसी क्वेश्चन को जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ देखते हैं तो ऐसा हो जाता है, नाइट्रिक एसिड के साथ में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए नाइट्रिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला देखिए HNO3 होता है। HNO3 जब ब्रेक करता है तो ये क्या बनाता है? H+ और NO3- नाइट्रेट आयन। H+ एक्वस स्टेट में, नाइट्रेट आयन भी एक्वस स्टेट में। तो ये जो नाइट्रेट आयन होता है, नाइट्रेट आयन जो होता है वो इजीली कॉपर का क्या कर देता है? कॉपर का क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन कर देता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर नाइट्रिक एसिड के साथ में कॉपर रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर इस कॉपर की जगह अगर हम जिंक लेते हैं, कॉपर की जगह अगर हम जिंक लेते हैं तो क्या होता है? देखिए यस, नेक्स्ट देखिए, इस केस के अंदर अगर मान लीजिए हम जिंक ले लेते हैं तो जिंक जो होता है उसकी नेचर कैसी होती है? जिंक 2+ +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो हो गया इसका क्या, रिडक्शन सॉरी ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट इसका अपोजिट करके देखते हैं। देखिए जिंक 2+ जो है अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बनाता है? जिंक बनाता है सॉलिड स्टेट में। ठीक है, जिंक एटम बनाता है सॉलिड स्टेट में। अगर इसका हम इस सेल का मीन्स यहाँ पर एक साइड में तो आपने क्या ऐड कर रखा है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और सेकंड साइड में क्या है? कॉपर की जगह अब जिंक है। तो इस कंडीशन में जब हम इसका ई सेल कैलकुलेट करते हैं, ई सेल कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना आता है? कितना आता है? Er0 - E left0। ठीक है, Er0 - E left। ठीक है, आर नॉट का मतलब राइट में क्या है हमारा? कॉपर है, कॉपर सॉरी जिंक है। तो जिंक का जो वैल्यू है वो कितना होता है? 0 - 0.76 - 0। तो आंसर कितना आएगा? -0.76 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए,
तो इस कंडीशन में जो ये नेगेटिव वैल्यू आता है, यहाँ पर जो आपका वैल्यू मिला वो पॉजिटिव वैल्यू था, ठीक है, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि जो जिंक होता है वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसको, H प्लस आयन को। अगर H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो H प्लस आयन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, H प्लस आयन का रिडक्शन हो रहा है। और अगर H प्लस आयन का रिडक्शन हो रहा है तो इस कंडीशन में एच प्लस आयन का रिडक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में जो जिंक है मेटल, वो जिंक मेटल किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जिंक मेटल जो है वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, करेक्ट। अगर जिंक और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इन दोनों को अगर आप मिलाकर पेयर बना के एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं तो, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए अगर हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं, एक ऐसा इलेक्ट्रोड सा कॉम्बिनेशन बनाएं, ऑलरेडी हम बना चुके हैं वैसे, डेनियल सेल में हमने क्या देखा था, डेनियल सेल के अंदर जब हम ई सेल कैलकुलेट करते हैं, ई सेल, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1.10 वोल्ट, ठीक है। ये डेनियल सेल का AMF का जो वैल्यू होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक तरफ हम जिंक रखते हैं, यहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ पे जिंक का कॉपर का, ठीक है। जब इन दोनों को अगर हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं तो इसके लिए, इस सेल के लिए जो ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1.10 वोल्ट, ठीक है। तो अब देखिए इसकी हेल्प से हमें क्या फ़ायदा होता है, यानी कि हमने जो ये EMF जो मिला हमें, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स है EMF, उसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, या ऐसे जो ये कॉम्बिनेशंस हैं, तो हमारे पास बहुत सारी मेटल्स हैं, और सभी मेटल्स की नेचर होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है उनकी, ठीक है। तो यानी सभी मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहती है, और नॉन मेटल्स जो होती है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो इनकी हेल्प से, मीन्स एक्सपेरिमेंटली, हमने एक टेबल बनाया, और उस टेबल के अंदर जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने एक टेबल बनाया है, और उस टेबल के अंदर कुछ पर्टिकुलर जो इम्पोर्टेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स है उनकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, ठीक है। और इस जो वैल्यू है उसको एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, ठीक है। इंक्रीजिंग किसका ऑर्डर है, ये या तो उसकी रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर है, या उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है ये, ठीक है। तो इस जो टेबल है उसके अंदर जो ये मेटल्स हैं इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको कोई भी दो मेटल का पेयर बना के दे सकते हैं, यहाँ पर इसमें कोई दूसरा मेटल और इधर एक अनदर मेटल, फिर पूछेगा आपसे कि इसमें से कौन सा मेटल किसको रिड्यूस कर सकता है, या कौन सा मेटल किस से ऑक्सीडाइज हो सकता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो लर्निंग है, इसके लिए आपको ये टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ठीक है। और इसको लर्न करने के लिए आपको कुछ अपना शॉर्टकट मेथड भी अपनाना है, अप्लाई करना है, आपका अपना मेथड हो तो दैट इज़ बेटर, और जो मेरा मेथड है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है, इस सीरीज के अंदर देखिए, आप टेबल को ध्यान से देखिए, टेबल के अंदर जो टॉप में जो दिया हुआ है, टॉप में मतलब सबसे ऊपर जो है वो फ्लोरीन है, फ्लोरीन, ठीक है। और उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या है, उसकी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव में है, और नेगेटिव में भी कितनी है, उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में है, और पॉजिटिव में भी मैक्सिमम है। इसका मीनिंग क्या है, फ्लोरीन के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम है पॉजिटिव में, तो इसका मीनिंग क्या है, फ्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ गेन करेगा,
फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मीनिंग क्या हो गया, फ्लोरीन का खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन। उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो रिडक्शन हो रहा है फ्लोरीन का, इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर फ्लोरीन का खुद का रिडक्शन हो रहा है तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका मतलब फ्लोरीन का जो मॉलिक्यूल होगा, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल, वो सामने वाले का बहुत अच्छे से ऑक्सीडेशन कर सकता है। तो फ्लोरीन जो होता है वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और इवन यू कैन से दैट फ्लोरीन इज द बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब इसी टेबल में, ये जो आपका टेबल है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला टेबल, उसी में आप देखिए सबसे डाउन में आपको लिथियम मिलेगा। लिथियम पीरियोडिक टेबल में पता ही है आपको, फर्स्ट ग्रुप में आता है, ग्रुप वन का फर्स्ट मेंबर हाइड्रोजन के बाद में। लिथियम का अगर आप इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखते हैं, तो माइनस में है, सबसे ज़्यादा माइनस में है। यानी वैसे तो देखा जाए तो सबसे कम है इसका रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन माइनस में सबसे ज़्यादा है इसका। इसका क्या मीनिंग हो गया, मेटल है लिथियम, और जितने भी जो मेटल होते हैं उनकी नेचर होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि लिथियम का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लिथियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर लिथियम का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सामने वाले का रिडक्शन हो रहा है, सामने वाले का रिडक्शन हो रहा है। और लिथियम जो है वो सामने वाले का रिडक्शन कर रहा है, इसका मीनिंग लिथियम जो है वो बहुत अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम क्या है, एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखो यहाँ से इस टेबल से हमें दो चीज़ें मिली, दो इन्फॉर्मेशन मिली कि लिथियम जो है मेटल वो बहुत ही अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो फ्लोरीन गैस है F2 गैस जो है वो क्या है, एक बहुत ही अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इन्फॉर्मेशन हमें इससे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चला, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल्स होते हैं इनका यूज़ क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे इसी चैप्टर में, नेक्स्ट सेगमेंट में, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल्स होते हैं इनकी हेल्प से हम जो सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं उनकी पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो गया, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है, पीएच कैलकुलेशन में, पीएच कैलकुलेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हेल्प से हम पीएच कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, KSP, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर देखिए, इसके हेल्प से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम K बोलते हैं, KC भी हो सकता है, KP भी हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद में जो नंबर फोर है वो है आपके पोटेंशियोमेट्रिक जो टाइट्रेशंस होते हैं इनमें भी इसका यूज़ होता है, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस में इनका यूज़ होता है, टाइट्रेशन, ठीक है। तो ये कुछ यूज है इनके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हेल्प से हम इतने सारे काम कर सकते हैं। पीएच का कैलकुलेशन करते हैं, दूसरा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसको हम KSP बोलते हैं उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, थर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC या KP कैलकुलेट करते हैं, और चौथा है पोटेंशियोमेट्रिक जो टाइट्रेशंस होते हैं उनमें भी इसका यूज होता है, ठीक है। यस, सो द नेक्स्ट वन इज नर्न्स्ट इक्वेशन। अब देखिए नर्न्स्ट इक्वेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला देखिए, हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसमें हमने क्या देखा था कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो कॉन्स्टेंट है, जैसे
आपने देखा कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे फिक्स था, कांस्टेंट था, कितना था 1 मोलर, ठीक है। सेकंड वहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी कांस्टेंट था, लेकिन ऐसा हमेशा तो हम नहीं रख सकते, मीन्स ऑल द थिंग्स, ऑल दीज पैरामीटर्स वी कैनॉट कीप कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट नहीं हो तो उस कंडीशन में जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कैलकुलेट करने के लिए जो हमें इक्वेशन हेल्प करती है उसको हम बोलते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन। ये नर्न्स्ट ने आपको प्रपोज की, प्रेजेंट किया था, ठीक है। आप एक सिंपल सा कैलकुलेशन है ये देखिए, मान लीजिए कोई एक एक्वस आयन है Mn+, जिसके ऊपर चार्ज है, वो n इलेक्ट्रॉन गेन करता है और n इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में मेटल का सॉलिड फॉर्म बनता है। ये एक मेटल का n+ आयन वाला, n+ चार्ज वाला एक आयन है, मेटलिक आयन है, n इलेक्ट्रॉन गेन करता है और मेटल का सॉलिड फॉर्म बनाता है, ठीक है। मेटल का सॉलिड फॉर्म, ये रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। तो नर्न्स ने जो इक्वेशन दी थी वो इक्वेशन क्या कहती है कि ई सेल जो होता है ये किसी पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड्स का जो पेयर होगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसके लिए एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो ई सेल जो होगा वो किसके बराबर होता है, ई सेल स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के लिए हम ये नोटेशन यूज़ करते हैं ई और उसके ऊपर एक जीरो या थीटा जो जिसको बोलते हैं वो यूज़ करते हैं, माइनस इसके बाद में RT अपॉन NF, उसके बाद में LN और उसके बाद में क्या दिया इसने, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट इसमें देखिए, आप अब प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर इसको आप लिखते हैं तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा, अब हम ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको अगर हम रिप्लेस कर देते हैं इनकी है द्वारा तो क्या बनता है, देखिए ई सेल, सेल कौन सा वाला है, ये वाला है ई सेल, जिसको हम हाफ सेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस सेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे N+/M से, ठीक है। एंड देन ई नॉट, देन हियर ऑल्सो N+/M देन माइनस देन R देन T अपॉन, ये N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर बीइंग यूज्ड फॉर द रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है, दैट इज N देन F एंड देन LN। अब प्रोडक्ट क्या है, M कॉन्सेंट्रेशन किसका, M का अपॉन नीचे रिएक्टेंट में क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N+ आयन्स, ठीक है। अब इसमें देखिए इनका नोटेशन का मीनिंग क्या क्या है, R क्या है यहाँ पर, ये आपका नर्न्स्ट इक्वेशन हो गया, ये क्या है, नर्न्स्ट इक्वेशन है। इसमें R क्या है, वेयर R इज गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R इज हियर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 8.314 जूल केल्विन पर केल्विन पर मोल, ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर टी क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर किसका टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो प्रोसेस हो रहा है उसका टेम्परेचर, टेम्परेचर किस में होगा, ये केल्विन में, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। इसके बाद में एफ क्या है, यहाँ पर एफ एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 96487, अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो ऑलमोस्ट इसको हम लेते हैं 96500 सी, सी फॉर कूलॉम, कूलॉम क्या है, द यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए ये जो एम है इसका जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है ये तो सॉलिड स्टेट में है, और सॉलिड स्टेट में जो सब्सटेंस होता है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम यूनिटी मानते हैं, बाई कन्वेंशन हम उसको यूनिटी यानी कि वन मानते हैं, ठीक है। तो इसको हम जब दोबारा से चेंज करते हैं इसी फॉर्मूले को तो ये कैसा बनता है, Mn+M यहाँ पर स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF LN और यहाँ पर वन आ जाएगा और फिर ये बन जाता है आपका दिस वन, ठीक है। ये भी इसी का फॉर्म है, ठीक है। तो ये है आपका नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन में अगर आप इनकी वैल्यू पुट करते हैं, टेम्परेचर नॉर्मली हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस,
25 डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट किस में करना है, केल्विन में, तो दैट इज इक्वल टू 398 केल्विन, उसकी वैल्यू पुट करते हैं। आर की वैल्यू यहाँ से 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल पुट करते हैं। नेक्स्ट एफ फैराडे कांस्टेंट, दैट इज 96487, तो उसकी जब वैल्यू पुट करते हैं, तो जब इनको सभी को आप वैल्यू पुट करते हैं, तो सभी की वैल्यू पुट करने के बाद में जो आपका इक्वेशन बनता है उसको हम किस टाइप से, किस के अकॉर्डिंग डिनोट करते हैं, तो ये सब जो बातें हैं वो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स के लिए हम बातें करेंगे। अलग अलग टाइप के कैलकुलेशंस होंगे, अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोड्स बनाएंगे और उनके लिए ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे। यूनिटी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा इसमें, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कुछ और होगी, और टेम्परेचर भी हो सकता है कुछ और हो, टेम्परेचर हो सकता है कुछ और हो, यानी टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर, इन सब की वैल्यू को चेंज करते हुए हम अब इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के लिए ये नान्स इक्वेशन की हेल्प से ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो काम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो तब तक इसको रिवाइज करते रहिए पुराना जो है पोर्शन, और कीप बी सेफ, कीप सेफ योर सेल्फ। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।